आज की वीडियो में आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में बताने वाला हूँ। फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इस ये क्यों ज़रूरी होता है और इसका बेनिफिट क्या होता है फेसबुक पर। अभी थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज़ वगैरह आ रहा है तो आप उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरे पास लोकेशन थोड़ा बाहर हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा ऐसा शूट करना पड़ रहा है मुझे। वैसे आज की वीडियो में आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊँगा जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ काम आता है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वैसे आता हूँ मैं सीधा पॉइंट पर, तो बात करते हैं गाइस सबसे पहले कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है। गाइस फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक तरह से अगर आप बात करें तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता है जो आपके फेसबुक के बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है, वो होता है हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर। आपने सुना होगा कंपनीज में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, तो मैनेजर्स का काम क्या होता है कि वो बिजनेस जो होता है उसे मैनेज करना, वो होता है मैनेजर। और फेसबुक बिजनेस मैनेजर का काम भी यही है गाइस कि फेसबुक पे जो भी आप बिजनेस रन करते हैं तो उसे मैनेज करने के लिए फेसबुक की तरफ से हमें एक टूल दिया गया है जो कि है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। और गाइस ये और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको वो 5 पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर का काम क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो बात करूँगा सबसे अपने पहले पॉइंट के बारे में, मैनेज एड अकाउंट। यानी कि ये एड अकाउंट जो होता है हमारा, जो पर्सनल एड्स अकाउंट होता है, उसे हम शेयर नहीं कर सकते, यानी उसका एक्सेस हम किसी और को नहीं दे सकते, ये चीज़ हमें अलाउ नहीं है। तो गाइज़ अगर आपका अभी फेसबुक बिजनेस मैनेजर है तो इसकी ऐप से आप अपना जो एड अकाउंट का एक्सेस है वो किसी और को दे सकते हैं। बात करते हैं गाइज़ अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा मैनेज पीपल। अब मैनेज पीपल क्या होता है गाइज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने अपने एड अकाउंट का एक्सेस किसी और को दिया, ठीक है, एक्सेस आपने दे दिया, अब आपको ये पता करना है कि उस एड अकाउंट के साथ क्या वो बंदा जिसे आपने एक्सेस दिया वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, वो कुछ मतलब ऐसी वैसी चीज़ें तो उस एड अकाउंट के साथ नहीं कर रहा है। तो इसे पता करने के लिए आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर का ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो वो भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर से ही आप ट्रैक कर सकते हैं आपके एड अकाउंट का अभी क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस अपने तीसरे पॉइंट की, जो कि है हमारे पास मल्टीपल पेजेस। यानी अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं, यानी बहुत सारे पेजेस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो गाइस उस पेज पे जो कि पोस्ट, जैसे कि हमारे व्यूअर्स होते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट हो गया या फिर आपके इंगेजमेंट हो गए या फिर आपके कमेंट्स हो गए, ये सब मैनेज करने के लिए डिफरेंट पेजेस के, या आपका सिंगल पेज भी है तब भी उसे मैनेज करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर को आप यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ मैनेज करने के लिए। अब बात करते गाइस अपने चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है मैनेज असेट्स। अब बहुत सारे ऐसे असेट्स हैं गाइस हमें जो फेसबुक की तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कैटलॉग हो गया, जैसे कि हमारे पास पिक्सल्स हो गया, और इसके अलावा जैसे कि हमारे पास इंस्टाग्राम भी अब जो है फेसबुक की तरफ से जो मेटा में ऐड हो चुका है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप ऐड करके उसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए भी अगर ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, जैसे कि आपको अगर इंस्टाग्राम पर एड्स रन करने हैं तो एड्स रन करने के लिए आपके पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर होना ज़रूरी है, उसके बिना आप इंस्टाग्राम पर जो है एड्स नहीं रन कर सकते। तो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है फेसबुक मैनेजर, ताकि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सको अपने असेट्स को। अब बात करते हैं गाइस अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वो है इजी रिपोर्टिंग। गाइस इजी रिपोर्टिंग को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये एक ऐसा टूल है हमें दिया गया है फेसबुक की तरफ से, कि अगर आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, तो उसमें ये इजी रिपोर्टिंग ये हो जाती है कि अगर मान लीजिए आपका 5-6 बिजनेस पेज है रन कर रहे हैं आप, ठीक है, 5-6 बिजनेस पेज आप चला रहे हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट एड्स अकाउंट है, ठीक है, सब चीज़ को एक जगह पर आप उसके रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। यानी एक ही टूल के अंदर आप वो सारी रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि कौन सा पेज, कौन सा बिजनेस पेज आपका किस किस लाइन पे है, किस प्रोग्रेस पे है, क्या कमी है, क्या इम्प्रूव करना ज़रूरी है, वो सारी रिपोर्ट्स आप एक जगह पे देख सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो सारे पेजेस का जो रिपोर्ट है वो एक ही जगह पे आप मैनेज कर सकते हैं। तो बस ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको बिजनेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो समझ आया होगा कि उसका काम क्या होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।